सो वेलकम बैक टू माई चैनल, वेलकम टू ग्लैम मंत्रा। तो मैं आज आप लोगों के साथ एवन रोज एंड पर्ल रूरल फेशियल का रिव्यू करने वाली हूँ। सो मेरे इस वीडियो को पूरा देखना, और अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं आगे जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। और आप इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो एवन में बहुत सारे रेंज है, एवन नेचुरल्स में। सो रोज एंड पर्ल है, पपया है। सो मैं जो है आज रोज एंड पर्ल का रिव्यू कर रही हूँ पूरा फेशियल किट का। सो ये जो है आप पार्लर में जाके 2000 रुपीज़ खर्चा करते हो, और वो बस एक ही टाइम हो पाता है। तो आप इसको सिर्फ 4 स्टेप आपको फॉलो करना है, और आप घर बैठे ही रोज एंड पर्ल जैसा ग्लो अपने फेस पे पा सकते हो। सो इसमें टोटल 4 स्टेप हैं। एक है क्लिंसर, 2 है स्क्रब, 3 है टोनर, 4th है मास्क, एंड लास्ट में है मॉइस्चराइजर, डे क्रीम और नाइट क्रीम। सो ये जो है मैं पहला आपको सब वन बाय वन करके मैं आपको दिखा दूंगी और बता दूंगी कि कैसे अप्लाई करना है, कितना टाइम तक आपको फेस पे रखना है। सभी डिटेल में आपको ये वीडियो मैं बता दूंगी, और आपको ये वीडियो पूरा देखना है। सो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो पहले जो मैं क्लिंजर इस्तेमाल करूंगी, सो ये है एवन का क्लिंजर। सो ये है एवन नेचुरल्स रेडिएंट वाइट रोज एंड पर्ल क्लिंजर। ये टोटल 100 ml का एक क्लिंजर है। ये आप डेली बेसिस में इस्तेमाल कर सकते हो, नाइट में, डे में, दोनों टाइम आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ये प्रोडक्ट जो है ये डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड है, जेंटल एंड माइल्ड है, सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स है, और ये एसेंस स्किन टोन के लिए स्पेशली इसको बनाया गया है। सो इसका रिव्यू मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। और इसका प्राइस जो है, इसका प्राइस यहाँ पर मेंशन है। इसका प्राइस है 299, लेकिन ये आपको डिस्काउंट में मिल जाएगा 199 रुपीज़ में। आप आपके कोई भी करीबी कॉस्मेटिक शॉप से इसको ले सकते हो। ये बहुत अफोर्डेबल है। सो ये आपका 2 से 3 महीने चल जाएगा अगर आप इसको डेली बेसिस में इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए पहले हम इस क्लिंजर को अप्लाई कर लेते हैं। सो मैं ये क्लिंजर यहाँ पर ले लूँगी थोड़ा सा, बस इतना सा ही आपको लेना है। और ये ऐसे वाइट कलर का क्लिंजर है, देन मैं इसे अपने पूरे फेस के लिए अप्लाई कर लूँगी। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा वाटर भी ऐड कर सकते हो। सो मैं जो है इसमें थोड़ा सा जो है वाटर ऐड कर लूँगी। अब इसको 2 से 3 मिनट तक आपको ऐसे ही इसको रब करना है, अच्छे से अपने पूरे फेस पे जो है एक क्लिंजर रब कर लेना है। ये जो है ये आपके स्किन का जो डर्ट है, इम्प्यूरिटी है, ये पूरा डीप क्लीन कर देगा। आपका फेस जो है बहुत ही अच्छा ग्लो करेगा इससे, और ये आपके स्किन को जो है मॉइस्चराइज भी करता है। ये ड्राइंग बिल्कुल भी नहीं करता है क्लिंजर। तो आप अगर वाटर ऐड करोगे थोड़ा सा तो इसमें जो है फोम क्रिएट होगा, लेकिन मेरे पास, मैं अभी ज़्यादा वाटर लेके नहीं रहती हूँ, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके वाटर ऐड करके आप लोगों को बस दिखा दे रही हूँ कि आपको कैसा आपको इसे अप्लाई करना है। क्लिंजर अप्लाई कर लिया हूँ। सो अब मैं इसको धो लेती हूँ। सो मेरा स्किन जो है पहले से काफ़ी ज़्यादा साफ लग रहा है, क्लीन लग रहा है। आप भी शायद देख सकते हो मेरा स्किन में जो भी ऑयली था थोड़ा थोड़ा टी जोन में, वो पूरा हट गया है। अब हम स्टेप 2 अप्लाई करेंगे, वो है स्क्रब। सो एवन रोज एंड पर्ल में कोई भी स्क्रब अवेलेबल नहीं है।
सो एवॉन में दो स्क्रब अवेलेबल हैं, एक है ये वाला आयुर्वेदिक स्क्रब और दूसरा है ये वाला सनफ्लावर एंड नीम। सो मैं जो इसका प्राइस है 349 एंड इसका प्राइस जो है ये है 379। तो मुझे ये वाला ज़्यादा पसंद है और ये दोनों जो है ये दोनों 3-in-1 क्लिंजर स्क्रब एंड मास्क है। आप इन दोनों को क्लिंजर प्लस स्क्रब प्लस मास्क इन दोनों की तरह ही आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो मुझे ये आयुर्वेदिक वाला ज़्यादा पसंद है। आप चाहे तो ये वाला भी ट्राई कर सकते हो, ये वाला भी अच्छा है। मेरे चैनल पर ये दोनों का रिव्यू ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाकर चेक कर सकते हो। सो मैं जो है मैं अभी ये वाला अप्लाई कर लूँगी। काफ़ी ज़्यादा है और ये भी काफ़ी अफोर्डेबल है। इसका रिव्यू भी मेरे चैनल पर अपलोड है, आप जाकर चेक कर सकते हो। ये इसको बस आपको ऐसे खोलकर अपने कॉटन बॉल पे इसको थोड़ा सा लेना है और अपने पूरे फेस पे जो है नेक पे डैप डैप करके आपको इसे अप्लाई कर लेना है। इसका जो प्राइस है वो है 249, लेकिन ये आपको डिस्काउंट में मिल जाएगा 169 में। एक छोटू सा पैकेज है इसका, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ये। आप चाहे तो ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देन अब हम आते हैं स्टेप 4 यानी कि मास्क, जो कि ये है। सो ये आप लोग देख सकते हो, ये है वाइटनिंग मास्क, रोजर पर्ल एडिट है। इसका नेट वर्थ है 75 है, उसका प्राइस है 379, लेकिन ये आपको डिस्काउंट में मिल जाएगा ऑफर में। सो इसका भी रिव्यू मेरे चैनल पर अपलोड है, आप जाकर चेक कर सकते हो। तो ये है इसका पैकेजिंग। मैं जो हूँ ये देखिए, इसका कलर जो है वो ऐसा है, रेड कलर।
ये मास्क आपको अपने फेस को जो है 10 से 15 में लगा कर रखना है। आप इसको महीने में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हो इस फेशियल को, या फिर आप सिर्फ इस मास्क को ही कभी कभी इस्तेमाल कर सकते हो। हफ्ते महीने में 2 बार आप इसको मास्क को इस्तेमाल कर सकते हो। देन आप हम आते हैं स्टेप 5 पर, जो कि है रोजन पर देखना। सो ये है रोजन पर देखने। सो मैं अब इसे अपने पूरे फेस पे जो है अप्लाई कर लूँगी। सो ये देखिए, ये ऐसे वाइट कलर का है कि आपको बस इसको थोड़ा सा ही लेना है। सो मैं इसको थोड़ा सा लेके अपने पूरे फेस पे जो है अप्लाई कर लूँगी। और ये ऐसा मॉइस्चराइजर बहुत ही अच्छा क्रीम है, आप इसको डेली बेसिस में भी इस्तेमाल कर सकते हो। और इसके अंदर जो है SPF 25 भी दिया हुआ है, सॉरी SPF 15 PA++ है ये क्रीम। सो ये बहुत ही अच्छी तरह से आपके फेस को जो है सन प्रोटेक्ट करता है। लेकिन मैं एक सलाह दूंगी आप लोगों को कि आप अगर घर से निकल रहे हो सो 10 से 15 मिनट से पहले आप इसको इस्तेमाल कर लीजिएगा। सो ये है, बहुत ही अच्छा है ये जेल क्रीम, बिल्कुल नेचुरल ग्लो देता है। सो देखिए, फिर भी इतना सा बच गया है और मेरे स्किन जो है बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग लग रहा है, पहले से काफ़ी ज़्यादा ग्लोइंग लग रहा है, स्किन अच्छी लग रहा है। मैं इसको भी लगा लेती हूँ। सो और अगर आप नाइट में ये फेशियल कर रहे हो तो आप इस डे क्रीम के जगह रोजन पर नाइट क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन वो नाइट क्रीम जो है रोजन पर का, वो थोड़ा पाउडर टेक्सचर है, तो मुझे वो नाइट क्रीम इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। सो इसलिए मैंने उसको एक ही बार लिया था, ख़त्म होने के बाद मैंने उसको फिर से ऑर्डर नहीं दिया है। लेकिन ये क्रीम मेरा सेकेंड डे क्रीम है, मैंने इसको सेकेंड टाइम परचेस किया है। सो ये था ये पूरे फेशियल रोजन पर्ल का। सो अगर आपको और आप लास्ट में जो है एवॉन का जो लिप बम आता है स्ट्रॉबेरी या फिर चेरी, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो आपके लिप के लिए। सो आपकी लिप केयर भी कंप्लीट हो जाएगा। और मैं आई के लिए ऐसा कुछ आई क्रीम नहीं इस्तेमाल करती हूँ। सो आप चाहे तो एवॉन का कोई भी आई क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हो अच्छा बेटर रिजल्ट के लिए। सो ये था इस पूरे फेशियल का रिव्यू और वीडियो। सो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है सो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब बटन के पास एक बेल बटन है, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं आगे जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। और अगर आपको और कुछ वीडियो को रिक्वायरमेंट हो तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरा चैनल जो है बहुत ही जल्द 1K कंप्लीट करने वाला है, सो आप प्लीज़ जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं बहुत ही ज़्यादा 1K कंप्लीट कर लूँ। और ये मेरा एक ड्रीम है कि मैं 1K कंप्लीट करूँ। सो स्टे ट्यून एंड स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस, बाय एंड टेक केयर।